हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 75 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कभी भी इनकमिंग कॉल आता है और लेकिन स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है ना। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिल जाएगा। रीस्टार्ट पर आपको टैप करना है, इससे क्या होगा आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। एक बार अपने फ़ोन को जो है रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपका मोबाइल फ़ोन का जो कॉलिंग का ऐप होता है ना, फ़ोन का ऐप होता है, इस ऐप को आपको रीसेट करना है। कैसे, देखिए आपको जो है इस ऐप को, कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। तो एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको है ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे आपको टैप करना है, ठीक है ना। तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको है ना ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपका एक छोटा ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर कैच का, दूसरा क्लियर स्टोरेज का, ठीक है ना। तो आपको इसे पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको इसे डिलीट पे टैप कर देना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इस ऐप को जो है रीसेट कर देंगे तो आपकी जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का एक बार सिस्टम यहाँ पे चेक कर लेना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से ना हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इनकमिंग कॉल जो है उसमें से एक होती है, ठीक है ना। इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे शो नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये उनमें से एक होती है प्रॉब्लम में से, ठीक है ना। तो आपका मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर की साइड आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन आपको नजर आता है तो उसे आपको अपडेट पे टैप कर देना है, इससे आपका मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम को अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम लग सकता है, तो आपको जो अपडेट का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होने देना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन की जो प्रॉब्लम है ना स्क्रीन के ऊपर आपकी कॉल शो नहीं होती, इनकमिंग कॉल, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना यहाँ पर अपने ये जो कॉलिंग का ऐप होता है इसे आपको अपने प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना है, ठीक है। ये फोन ऐप को अपने प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का आपको जो है ना सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर की साइड आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे आप फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में जो प्रॉब्लम है ना इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना वो सारा का सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड है वो आपको पहले से कहीं पे लिख के रख लेना है, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको जो है ध्यान रखनी है मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी ये सारे के सारे प्रोसेस बताए हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस आप जो है यूज करिए तो आपके मोबाइल फोन की जो प्रॉब्लम है इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे शो नहीं होती है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।